हेलो एवरीवन। तो गाइज अपने पेपर एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग देखेंगे 25 जनवरी का जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें मुझे जीके के क्वेश्चन मिल गए हैं, तो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चन एज यूजुअल हमेशा रियल रहते हैं, वो रियल ही हैं, बाकी ये मैं मेरे साथ ही आप लोग भी बताएंगे वीडियो खत्म होने के बाद। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि, ध्यान दीजिएगा, पूछा था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है ना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपसे पूछा था, तो ये कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। ओके, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि खिलाफत आंदोलन के बारे में पूछा था, है ना। खिलाफत मूवमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन। तो ये मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी याद कराया था। कैसे याद करेंगे? देखिए, 1919 खड़ा हुआ, उसके खिलाफ में क्या खड़ा हुआ? 19 खड़ा हुआ, ठीक है। ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये अली बंधुओं के द्वारा किया गया था, है ना। अली बंधुओं द्वारा किया गया था, अली ब्रदर्स द्वारा किया गया था, ठीक है। शौकत अली और अली ब्रदर ऐसे करके पूरा नाम था, कई दो तीन लोग थे, ठीक है। तो आपसे यही पूछा था कि कब किया गया था, तो 1919, है ना। यही था, या कुछ और स्टार बना के ही दूंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ और भी पूछ लिया हो, पर मुझे तो लगता है यही पूछा होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं, तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि, देखिए, भारत रत्न पूछा था 2019 में, भारत रत्न 2019 में, ठीक है। तो ये टोटल तीन लोगों को मिला है, जो ऑप्शन में था वह भी मैं बताऊंगा। देखिए, पहला मिला आपको किसको? प्रणब मुखर्जी को, ठीक है। और आपका प्रणब मुखर्जी, और जो आपके ऑप्शन में दिया था वो दिया था आपका, देखिए, नाना जी देशमुख, यही आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, और नाना जी देशमुख करेक्ट हो जाएगा उस हिसाब से। और जो तीसरा नाम है वो है भूपेन हजारिका, किसे दिया गया है? भूपेन हजारिका, ठीक है। इन तीनों लोगों को दिया गया था, आपके ऑप्शन में दिया हुआ था नाना जी देशमुख, ठीक है। तो यही आपका सही हो जाएगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो अगला क्वेश्चन बहुत आसान पूछा था, वुलर झील या वुलर लेक कहाँ पर है? तो बहुत आसान है, कहाँ पर है? जे एंड के, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, हाँ, वो पूछा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब को किससे मेजर किया जाता है। दो क्वेश्चन आया था मेजरमेंट से, दोनों बता रहा हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब, या फिर इसको कहा जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किससे मेजर किया जाता है। तो मैंने ट्रिक वाले वीडियो में अपने बताया है, क्या वायुमंडलीय दाब? बैरोमीटर। किससे? बैरोमीटर से मेजर किया जाता है, ठीक है, बैरोमीटर। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि, ध्यान दीजिएगा, ध्वनि की तीव्रता, है ना, ध्वनि की इंटेंसिटी ऑफ साउंड, है ना, किसमें मेजर किया जाता है? इंटेंसिटी या फिर ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता या फिर इंटेंसिटी ऑफ साउंड जिसको कहा जाएगा, किसमें मेजर किया जाता है? तो किया जाता है डेसीबल में। कहाँ पे? डेसीबल में। और जो रिप्रेजेंटेशन है वो डीबी करके रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था, ध्यान दीजिएगा, हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद थोड़ा सा डाउटफुल है ये क्वेश्चन, बट मुझे लगता है कि यही पूछा गया होगा, जैसा क्योंकि एक ही मैसेज मिला था मुझे इस क्वेश्चन को लेकर। तो चंद्रगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी, तो सबको पता होगा ये, है ना, काफी ठीक ठाक आज, बहुत टफ नहीं आए थे जी के। उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। अच्छा, ये चीज जो मैं कह रहा हूँ टफ नहीं आए थे, ये मिले हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। बाकी टफ सच्चाई तो ये है, जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो सच में मिलते ही नहीं, क्योंकि वो किसी को याद ही नहीं रहते, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि क्या पूछा था, वैसे अगर जो दोनों में बता दे रहा हूँ, देखिए, एक होता है ओडोमीटर और एक होता है आपका स्पीडोमीटर। अगर जो इस ओडोमीटर आया था तो ये आपका रिपीटेड है, तो ये डिस्टेंस मेजर करता है ना, डिस्टेंस मेजर। ओके, और अगर जो बात करूँ स्पीडोमीटर, तो जैसा नाम वैसा काम, स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीड मेजर करता है, ठीक है। अब जो भी आया रहा हो, मैं कन्फर्म नहीं था तो मैं दोनों बता दिया, ठीक है।
क्योंकि बोलते बोलते सुना ही नहीं पड़ा मुझे इस क्वेश्चन का, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। जो अगला क्वेश्चन है आपका, वो पूछा गया था कि देखिए, हाँ ये पूछा गया था कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, है ना, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट पावर होती है, मतलब इम्पीचमेंट जो किया जाता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का, वो किस आर्टिकल से लिया गया है, या मतलब किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, या तो ये था, और या फिर ये पूछा था कि ये किस मतलब देश से लिया गया है ना, राष्ट्रपति महाभियोग। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी का भी होगा, राष्ट्रपति महाभियोग, या फिर इसी को क्या बोलोगे, महाभियोग या फिर इम्पीचमेंट इसी को बोला जाता है, ठीक है, इम्पीचमेंट, ठीक है। तो ये लिया गया है कहाँ से, यूएसए से लिया गया है, ठीक है, अमेरिका से, और ये आपका आता है आर्टिकल 61 के अंतर्गत, 61 के अंतर्गत। आई थिंक चीजें आपको विजिबल है, या फिर मैं इसको रफ करके, हाँ ठीक चल रहा है, अभी एक आध क्वेश्चन और राइट करके फिर रफ करता हूँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। हाँ एक और झील आई थी, बट डाउटफुल है एक थोड़ा, कोलेरू झील, है ना, कोलेरू झील अगर आई थी तो बता दे रहा हूँ, डाउटफुल है तो स्टार बना के दूंगा, ठीक है, कोलेरू झील, कोलेरू झील, ठीक है। अगर जो पूछा था आपका, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, और ये है आपकी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील है आपका, ठीक है। अब एक काम करिए, इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ताकि मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी अच्छे से क्या करूं, राइट कर सकूं, और कोई डाउट आप में ना रह जाए, ठीक। तो आई थिंक आप राइट कर लिए होंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। और गाइस इस स्क्रीनशॉट को आप रख कर गैलरी में सेव मत किया करिए, जैसे आज का मैंने कराया तो इसका स्क्रीनशॉट लिए, तो कल जब एनालिसिस करिए तो प्रीवियस को रिवाइज कर लिया करिए एक बार, है ना। बाकी अगर आप एग्जाम देकर आए तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप कमेंट करते हैं कुछ क्वेश्चन और बताते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि असेंबली में बम किसने फेंका था, है ना, दिल्ली असेंबली में, दिल्ली असेंबली में बम, असेंबली में बम किसने फेंका था। तो इसमें दो लोग का नाम आता है जो भी आप में रहा हो, एक भगत सिंह थे, भगत सिंह ने फेंका था, और एक बटुकेश्वर दत्त का भी नाम आता है, ठीक है। अब जो भी हो, जहां तक मुझे लगता है यही रहा होगा नाम, बटुकेश्वर दत्त, है ना, इन दोनों लोगों ने मिलके असेंबली में बम फेंका था, ठीक है, ओके। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो काफी रिपीटेड है, मतलब काफी क्या, हाँ कभी सकते हैं, काफी रिपीटेड, सांची का स्तूप, है ना, सांची का स्तूप। अब ये आपका या तो पूछा होगा कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में, किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये आपका किसके द्वारा, अशोक के द्वारा बनवाया गया था, है ना, मौर्य वंश का शासक था। इसके पिता का क्या नाम था, तो क्या नाम था, बिंदुसार, कौन था, नाम था बिंदुसार, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 72, है ना, आर्टिकल 72 से आया था, अनुच्छेद 72, तो मृत्यु सजा माफ करने की जो ताकत होती है वो आर्टिकल से, मतलब राष्ट्रपति के पास मृत्यु सजा माफ करने की जो ताकत होती है वो आर्टिकल 72 के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो क्या ऐसे कह सकते हैं, मृत्यु की सजा माफ करने की पावर होती है किसके पास, राष्ट्रपति के पास, आर्टिकल 72 में बताया गया है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा मतलब डाउटफुल क्वेश्चन है। देखिए एक तो होता है सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, है ना, ये जो करता है, दोनों डाउटफुल बना के मैं दोनों चीज बता दे रहा हूँ, ठीक है। साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, ये होता है समुद्र के भीतर छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, समुद्र के, ये मैंने अपने ट्रिक वाले वीडियो में बताया है, ठीक है, समुद्र के भीतर छुपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए, छुपी वस्तु पता लगाने के लिए। बट आई थिंक ये नहीं आपसे पूछा था, ये आपसे पूछा था, अगर पूछा था तो नया क्वेश्चन रहेगा ये, समुद्र की गहराई, है ना, किससे समुद्र की गहराई किससे नहीं पर जा, मतलब नापा जाता है, या फिर मेजरमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ सी, है ना, डेप्थ ऑफ सी जो है, डेप्थ ऑफ सी जो है वो किससे मेजर किया जाता है, तो इसका जो नाम है वो है आपका डेप्थ इको साउंडर भी है, या फिर डेप्थ
साउंडर वी डेफ्थ साउंडर वी, अब जो भी आपके ऑप्शन में रहा हो थोड़ा सा डाउटफुल है, डेफ्थ साउंडर या फिर एको साउंडर भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब आप में जो भी रहा हो, मतलब एको मतलब होता है ध्वनि, एक आवाज निकलती है वो कहाँ तक जाती है इसी से शायद मेजर किया जाता है, और जहाँ तक यही क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और हाँ, कोई मैन बुकर प्राइज से आया था, बट किस ईयर का आया था एक समझ में नहीं आया, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ मैन बुकर प्राइज। तो आप क्या करिएगा, 1918 का देख लीजिएगा, ठीक है, जिसे भी मिला होगा, या फिर अगर आप विवर देख के आए तो कमेंट कर दीजिएगा, सबका भला हो जाएगा। और एक आया था आपका रिपीटेड क्वेश्चन, हड्डी से हड्डी को किसको किस कौन जोड़ता है, हड्डी से हड्डी, ये मैंने ट्रिक के माध्यम से प्रीवियस मतलब रिपीटेड क्वेश्चन ही है ये, हड्डी से हड्डी, तो हड्डी से हड्डी जो जोड़ता है वो उसको बोला जाता है क्या, लिगामेंट, क्या बोला जाता है, लिगामेंट, आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। और मतलब बोन टू बोन, या फिर एक होता है आपका हड्डी से क्या कहते हैं मसल्स को, है ना, तो वो होता है आपका क्या, एक होता है लिगामेंट, वो देखो ना टेंडन, हाँ क्या आता है, टेंडन होता है, ठीक है। तो अगर मसल्स से बोन को जोड़ने की बात आए तो टेंडन हो जाएगा, ये पहले पूछ चुका है, मसल्स से आपको मैंने ट्रिक से बताया भी था। देखिए मसल मतलब आप कह सकते हैं मसल्स से बोन को अगर जो जोड़ने की बात होगी तो आपका क्या होगा, टेंडन होगा, ठीक है। और अगर हड्डी से हड्डी तो क्या हो जाएगा, लिगामेंट। कैसे मैंने बताया था, देखो हड्डी से हड्डी जब खट खट होगा तो टन टन की आवाज आएगी, है ना, तो अगर आप बीमार नहीं हैं तब आवाज़ आएगी, अगर आपके हड्डी में प्रॉब्लम तो आवाज़ नहीं आएगी। तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपके हड्डी में प्रॉब्लम है, मतलब बस याद करने के लिए, तो आपके टन टन की आवाज़ नहीं आएगी, तो क्या होगा, लिगामेंट। और अगर जो आपके बोन से मसल्स को जोड़ा जाएगा तो अगर जो लिगामेंट, इसी में कन्फ्यूजन होता है लिगामेंट और टन टन, तो अगर हड्डी से हड्डी होगी तो टन टन की आवाज़ आनी चाहिए लेकिन आएगी नहीं, तो मतलब क्या होगा, लिगामेंट। और मसल टू अगर बोन की बात करें तो फिर टेंडन हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और हाँ, और कोई एक नागालैंड की शायद जनजाति आई थी, ट्राइब्स ऑफ नागालैंड, बट वो क्वेश्चन मिल नहीं पाया। इस तरह तो बहुत सारी जनजाति हैं, तो मैं कौन सा आपको बता दूं, ठीक है ना, तो लिख देता हूं बस ऐसे ही, है ना, नागालैंड जनजाति, ठीक है, नागालैंड ट्राइब्स, ओके। तो जो भी हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, वीडियो कैसे लगी गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए मैं थोड़ा जल्दी आज वीडियो बनाया, मैं खुद मतलब कॉल किया, मैसेज का और क्वेश्चंस का वेट नहीं किया, तो जितना जल्दी मुझे क्वेश्चन मिल पाए मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, कहाँ तक क्वेश्चन रियल है ये भी जरूर बताइएगा, बहुत इंतजार रहता है कि मेरी मेहनत कहाँ तक सफल रही, ठीक है ना, क्रॉस चेक करना रहता है, क्वेश्चन कलेक्ट करना है, उसके आंसर को फाइंड करना रहता है, तो अच्छा लगता है अगर आप कमेंट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सेकंड शिफ्ट में 7:30 बजे तक लाता हूं, सबको पता है, उसमें कुछ जीके मैथ और रीजनिंग के भी जो क्वेश्चन मिले रहे होंगे इस शिफ्ट के, उसमें मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो चलिए, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।